ज्यादातर लोगों ने प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में पढ़ा होगा और उसे देखा भी होगा, पर उन्हें पता नहीं होगा कि यही प्लेन पोलराइज लाइट है। चलो दिखाता हूं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये वाला डायग्राम तो ऑलमोस्ट हम सबने देखा ही होगा। इमेजिन करो कि एक बीम ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो आपकी तरफ आ रही है। कुछ लाइट के वेव्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो आपको ना सामने से टू एंड फ्रो मोशन दिखेगा। इसी तरह से कुछ लाइट वेव्स होंगे जो हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहे होंगे, कुछ डायगनली। तो ओवरऑल ये हैं अलग अलग ऑसिलेशंस फ्रॉम द फ्रंट व्यू। इसको हम कह सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसको हम ऑप्टिकल फिल्टर में से पास करेंगे, टिपिकली निकोल प्रिज्म इसको हम लोग कहते हैं। तो कुछ ही वेव्स बचेंगे, बाकी सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे। पर अब यहां पे सवाल आता है कि ये ऑप्टिकल फिल्टर होता क्या है, कैसे काम करता है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जहां पर एक फिल्टर बना हुआ है जिसमें से हॉरिजॉन्टल वेव्स पास नहीं हो रही है, पर वर्टिकल वेव्स कैन पास थ्रू क्वाइट इजिली। ऑप्टिकल फिल्टर का भी यही काम होता है, लाइट वेव्स को सिलेक्टिवली पास होने देना। और मेरे पास है ये ऑप्टिकल फिल्टर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कट करते हैं। आपके लैपटॉप के स्क्रीन की लाइट यूजुअली प्लेन पोलराइज होती है, क्योंकि ये एलसीडी डिस्प्ले के वर्किंग के लिए जरूरी होता है। एंड हाउ डू वी नो दैट दिस लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ये देखो, सनग्लासेस घुमाया तो लाइट बंद, मतलब फिल्टर हो गई। यही बेसिस होता है पोलारिमेट्री का और ऑप्टिकल एक्टिविटी का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे दिए गए एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट को देखो, इजी क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे सॉल्व। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में बताओ और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं।